हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस वीडियो का टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट पे ब्रांड अप्रूवल के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड हो या आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया हो। आप बिना उसके भी ब्रांड अप्लाई कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से ब्रांड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू लिस्टिंग और यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों ऐड अ सिंगल लिस्टिंग। देखिए पहले हमें ब्रांड अप्रूवल लेना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं या बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, सेम प्रोसीजर है दोनों में। पहले आपको ब्रांड जो है वो अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ अपने जो मेरे अप्रूव्ड ब्रांड हैं जिनका मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, उनका मैं आपको एक बार स्टेटस दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पहले मैंने इन सारी कैटेगरीज पे A1 क्वालिटी के नेम से ब्रांड अप्रूवल लिया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं मेरा A1 क्वालिटी जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी देखिए जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड है। तो इसी तरीके से अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है या आपने अप्लाई भी नहीं किया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर और आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए जैसे ये एगिस है, एगिस भी देखिए मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है इसके ऊपर कि देखिए फ्लिपकार्ट में या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट हो, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिन पे आपको शायद ब्रांड अप्रूवल जो है वो नहीं मिलेगा विदाउट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के, और उसमें भी ट्रेडमार्क आपका जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। फ्लिपकार्ट में टीम भी चल जाएगा लेकिन अमेज़ॉन में तो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, वो टीम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिनमें ब्रांड जो है वो चाहिए ही होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेबी केयर एंड टॉयज़ में कुछ कैटेगरीज़ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी कई कैटेगरीज़ होती हैं, तो कुछ कैटेगरीज़ के अंदर जो है ट्रेडमार्क चाहिए ही होता है। कि देखिए कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे बच्चों के लिए होते हैं और छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो सीधे हर खिलौने को या उनके हाथ में कुछ भी पड़ जाए उसे वो उठा के अपने मुँह में रख लेते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को देखते हुए कुछ टॉयज़ के ऊपर जो है ब्रांड चाहिए ही होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए ही होते हैं, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो कंपनी जो है इस तरीके का कोई भी रिस्क अपने ऊपर नहीं ले सकती। फूड एंड न्यूट्रिशंस भी आप विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन के नहीं सेल कर सकते। ऐसी कोई भी चीज़ जो डायरेक्ट बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है, या खाने में यूज होती है, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आप विदाउट ब्रांड या विदाउट डॉक्यूमेंट प्रोसेस के आप सेल नहीं कर सकते। अब ये चीज़ डिपेंड भी करती है अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी ने कुछ पॉलिसीज बनाई हुई हैं, किसी ने कुछ पॉलिसीज बनाई हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आप फ्लिपकार्ट में स्नैपडील में जो है TM यानी कि अगर आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है तो उसके ऊपर भी आप अप्रूवल ले सकते हैं और ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट का केस भी सामने वाले सेलर के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं हम आ जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो अमेज़ॉन सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रांड ही मांगता है, जबकि ये बात सबको पता है कि इंडिया के अंदर 2 साल से पहले ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता। तो ठीक है, ये कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट होता है वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ को क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अमेज़ॉन की, तो फ़िलहाल की उनकी पॉलिसी देखते हुए ये लगता है कि उनकी जो सीनियर टीम है वो ये चाहती है कंपटीशन हो, मैपिंग हो, सेलर्स के बीच में बहस हो, चाहे सेल किसी की भी हो, छोटे सेलर की हो या बड़े सेलर की हो, उनका तो कमीशन बंधा हुआ है ही। तो अमेज़ॉन का जो सीनियर मैनेजमेंट है उसकी सोच कुछ इस टाइप की है। चलिए मैं आगे आपको और बताता हूँ। तो सेकंड देखिए कैटेगरी है फूड एंड न्यूट्रिशंस, इस पे भी आपको जो है ट्रेडमार्क चाहिए होगा। इसके अलावा हेल्थ एंड ब्यूटी, हेल्थ एंड ब्यूटी में भी आपको काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है ट्रेडमार्क चाहिए होगा, विदाउट ट्रेडमार्क के आप सेल नहीं कर सकते। इस तरीके की देखिए और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, बस इस बात का ख्याल रखिए कि जो भी प्रोडक्ट्स बॉडी के ऊपर अप्लाई होते हैं डायरेक्टली उनको आप विदाउट रजिस्ट्रेशन सेल नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई ब्रांडेड कंपनी है, उसका नेम भी आप ब्रांड अप्रूवल में विदाउट डॉक्यूमेंट के यूज़ नहीं कर सकते। और कोई ट्रेडमार्क है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इन क्वालिटी है, तो आप उसको भी यूज़ नहीं कर सकते किसी ने टीम अप्लाई किया हुआ है तो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या विदाउट रजिस्टर्ड हो, आपको उस पर इशू क्रिएट हो सकता है, ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ब्रांड अप्लाई कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज के ऊपर। देखिए इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ब्रांड जो है डिसअप्रूव हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखिए, आप बिना अप्लाई किए ये सोच के बैठ जाएंगे कि मुझे अप्रूवल मिलेगा ही नहीं, तो ये तो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो गया कि आपने एक तरीके से शुरुआत करने से पहले ही हार मान ली।
ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए, आप अप्लाई करके देखिए, अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आगे की प्रोसीजर है ही उसको अप्रूव कराने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो मैं कैटेगरी चूज कर रहा हूँ वो बेबी केयर एंड टॉयज़ के अंदर टॉयज़ के अंदर मैं आऊँगा स्टफ़ टॉयज़, ठीक है, स्टफ़ टॉयज़ में जो है मैं ब्रांड अप्लाई करूँगा। तो सेलेक्ट ब्रांड, यहाँ पे जब मैं ब्रांड डालूंगा जो मुझे अप्लाई करना है वो है इन क्वालिटी। तो इन क्वालिटी चेक कर लेते हैं एक बार है या नहीं, इन क्वालिटी तो अप्रूव्ड है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। देखिए अब देखिए ये मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ इन क्वालिटी जो है वो कहीं पे भी अप्रूव्ड नहीं है। तो देखिए सामने आपके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो इन क्वालिटी है उसको अप्रूव्ड दिखा रहा है, ब्रांड इज अप्रूव्ड, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन क्वालिटी मेरा सिर्फ दिया के अंदर अप्रूव्ड है और कर्टेन एक्सेसरीज के अंदर अप्रूव्ड है। इसके अलावा हर जगह पे जो मेरा ब्रांड है वो A1 क्वालिटी के नेम से अप्रूव्ड है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये इन क्वालिटी किस तरीके से अप्रूव्ड दिखा रहा है। तो मैं दोबारा से कोई और दूसरी कैटेगरी ले लेता हूँ, चलिए पेन्स एंड स्टेशनरी में स्कूल सप्लाईज में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, बैग ले लेता हूँ, बैग पर ट्राई करके देखता हूँ, सेलेक्ट ब्रांड इन क्वालिटी, वाह वाह क्या बात है, मेरा तो जैकपॉट लग गया, मतलब मैं मतलब ये तो बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है कि मैं जिस ब्रांड में भी जा रहा हूँ उसको वो अप्रूव दिखा रहा है, मेरा तो एक तरीके से जैकपॉट लग गया है। चलिए मैं कुछ और ट्राई करके देखता हूँ। आप में से कुछ लोगों को 100% ऐसी फीलिंग हो रही होगी कि ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता। अब चलिए जब इतना भी इन्होंने दिखा दिया तो मैं आगे भी दोस्तों चेक करके देखता हूँ। मैं सबसे टफ वाला ले लेता हूँ, हेल्थ एंड ब्यूटी, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि ब्रांड मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, चलिए स्किन केयर, ठीक है, बॉडी ट्रीटमेंट, ज़रा देखते हैं इसको क्या कहता है, चेक ब्रांड, अरे वाह ब्रांड इज़ अप्रूव, यानी कि अब मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आपको प्रैक्टिकल किस तरीके से करके दिखाऊं। एक काम करता हूं, मैं कोई और ब्रांड डाल देता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस तरीके से आपको दिखा पाऊंगा कैसे ब्रांड अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। तो चलिए मैं होम इम्प्रूवमेंट टूल में ही ले लेता हूँ, बाथरूम और सेफ्टी रेल कुछ भी ले लेता हूँ, सेलेक्ट ब्रांड। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई और, देख रहे हैं मैंने एगिस ले लिया, तो इसको देखते हैं, ये ब्रांड अप्रूव नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ ये मुझे मिलता है या नहीं मिलता। तो देखिए ये मैं अब आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो अपना ब्रांड जो है उसको जहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ उसको अप्रूव्ड ही दिखा रहा है, और सच बता रहा हूँ मुझे नहीं पता क्यों दिखा रहा है। अब मैं अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल के लिए क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि आई थिंक, मैं देखता हूँ नीचे अप्लाई का ऑप्शन तो आना चाहिए ना, हाँ सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ब्रांड लोगो यहाँ पे मांग रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कुछ भी ऐसे ही नेम डाल दिया है, ठीक है। तो ब्रांड लोगो भी मैं अप्लाई नहीं कर रहा, ना मैं ब्रांड की कोई वेबसाइट दे रहा हूँ। वेयर डू यू सेल द प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रांड करेंटली, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, नॉट एप्लीकेबल, जस्ट मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, मैं कोई अपलोड फाइल भी नहीं दे रहा। आर यू द ब्रांड ऑनर, नो। इज इट एन इम्पोर्टेड ब्रांड, नो। यहाँ पे ट्रेडमार्क वगैरह मांग रहा है, मैं वो भी कुछ नहीं दे रहा। मैं क्या करता हूँ, मैं सीधे इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या होता है। ओके मैंडेटरी देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मैंडेटरी तो सिर्फ पहला ही दिखा रहा है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं स्टार लगा हुआ है, ये मैंने नो कर दिया। ओके तो देखिए ये मैंडेटरी आ रहा है, इसके अंदर सर्टिफिकेट मांग रहा है। देखिए फ्लिपकार्ट ने ये वाला ऑप्शन जो है अभी न्यू ऐड किया इस तरीके से, क्योंकि ये मुझे याद है पहले नहीं आता था। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, जो रजिस्टर्ड ब्रांड है आपका उसका सर्टिफिकेट, या आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया हो उसका, या ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। तो मैं इसमें कोई और तरीका देखता हूँ कुछ मिलता है या नहीं। मैं बैक जाता हूँ और मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ, और दोबारा से मैं जाता हूँ सेलेक्ट ब्रांड, ओके अप्लाई फॉर ब्रांड। देखिए मैंने इस बार दूसरी कैटेगरी जो है वो चूज़ की है, ठीक है, कैप्री की चूज़ की है। तो अप्लाई फॉर ब्रांड देखते हैं यहाँ पे क्या मांगता है।
तो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं दो डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग तरीके के दो एक्सपीरियंस हो गए। जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंडेटरी सिर्फ जो नेम है, ब्रांड नेम है, और उसके अलावा मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे अभी तक तो कहीं देखिए, पहले यहाँ सर्टिफिकेट के ऊपर जो है स्टार लगा हुआ आ रहा था, तो अगर यहाँ ये मैंडेटरी है तो देखिए आपको देना पड़ेगा। अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के लिए इस कैटेगरी के ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ ब्रांड नेम से ही मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है ये चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता था कि अगर ये ब्रांड आपका नहीं है और इन फ्यूचर इस पर अगर कोई और सेलर क्लेम करता है तो आपको इस ब्रांड से कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाएगा, आप इस ब्रांड के ऊपर सेल नहीं कर पाएंगे। पहले एक इस तरीके का ऑप्शन आता था ब्रांड अप्रूवल में, जो कि अब नहीं आ रहा है। तो ये एक अपडेट हो गया फ्लिपकार्ट के अंदर। तो देखिए, मैं लोगो भी कुछ नहीं डाल रहा हूँ, वेबसाइट भी कुछ नहीं डाल रहा हूँ। वेयर डू यू सेल दिस प्रोडक्ट, नॉट एप्लीकेबल, मैं करके देखता हूँ, ऐसा तो नहीं है फिर मैंडेटरी हो जाए। देखिए, मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। इसके अलावा मैं MRP टैग भी नहीं दे रहा। आर यू द ब्रांड ऑनर? नो, आई एम नॉट ब्रांड ऑनर। ठीक है, तो देखिए मैंने नो कर दिया, फिर भी कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं सबमिट करके देखता हूँ होता या नहीं। तो आप देख सकते हैं सबमिट हो गया, और मैंने जो डिटेल दी हैं वो कुछ भी नहीं दी हैं। तो कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें देखिए ट्रेडमार्क जो है वो मैंडेटरी कर दिया है कंपनीज़ ने, और कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें ट्रेडमार्क जो है वो मैंडेटरी नहीं है। तो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर, आप कौन सी कैटेगरी चूज करना चाह रहे हैं। आप जिस कैटेगरी में सेल करना चाह रहे हैं और उसमें ये मैंडेटरी है, तो आपको जो है ब्रांड अप्लाई करना पड़ेगा या कराना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप सेल कर पाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, ब्रांड जो है अप्लाई करने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता। एक कैटेगरी को आप 6-6.5 हज़ार रुपये में रजिस्टर करा सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट के अंदर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, जो मैंने कैपरी में ब्रांड अप्लाई किया था वो इन प्रोसेसिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी इसका अपडेट जो है होने में टाइम लगेगा, जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिजेक्ट हुआ या अप्रूव्ड हुआ। वैसे जहाँ तक है मुझे लगता है ये अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट जो है वो नहीं होगा, और हो सकता है डिसअप्रूव भी हो जाए क्योंकि मैंने इसमें कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं कराई है, ठीक है। तो देखते हैं जो भी होता है, मैं आपको अपडेट जो है वो ज़रूर दिखाऊंगा इसका।